बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम्स, में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, और हमारी दुआ है कि आप नुसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन आज का प्रोग्राम हमने करना है कि एक डेयरी फार्मिंग के नाम से एक और कंपनी मर्ज़ वजूद में आई है। माजी में इस तरह की कंपनीज़ आपके सामने हैं, किसी ने बकरियों का कारोबार किया, किसी ने दूध का कारोबार किया, किसी ने बैलों का कारोबार किया, वो लोगों को चूना लगा के भागे। अप फॉर यू रियल ट्रेडर्स के नाम से एक और कंपनी मार्ज़े वजूद में आई है। इस कंपनी के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है या जो इसके मालिक हैं, वो ये दावा करते हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों से वो मार्केट में बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन ताहिर नसीर ने इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा काम किया। और ताहिर नसीर के दावे हमेशा इंशाल्लाह सच्चे दावे होते हैं और हक पर मबनी दावे होते हैं। हवाओं में तीर चलाने की हमें आदत नहीं है, जिस तरह कैश वर्थ के राजा रियाज हवाओं में तीर चलाते हैं, जिनकी जो सिग्नल की बत्ती है वो रेड ही रहती है। हम तो प्रैक्टिकली फील्ड में काम करते हैं, देखते सुनते हैं और उसके बाद लपकुशाई करते हैं। फॉर यू रियल ट्रेडर्स के हवाले से जो डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, इनके लाहौर में भी ऑफिस है, कराची में भी है और इस्लामाबाद में भी है। फॉर यू रियल ट्रेडर्स के जो मालिक हैं, साजिद हुसैन उनका नाम है, और वो ये दावा करते हैं कि वो महाना 8 से 10% प्रॉफिट दे रहे हैं। अब ये प्रॉफिट जनरेट कहाँ से हो रहा है, इसकी हकीकत कितनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इस तरह के नौसरबाज होते हैं, अच्छा इनको खौफ इतना होता है, जिस जगह पे जाते हैं किराए के गार्ड साथ लेके जाते हैं ताकि कोई इन पे गंदे अंडे ना मार दे, कोई जूती ना मार ले। ये लोग खौफजदा होते हैं, नौसरबाज हमेशा खौफजदा ही रहता है। अच्छा, साजिद हुसैन ने अभी हाल ही में इस्लामाबाद में एक इवेंट किया, एक ऑफिस की ओपनिंग की, F11 में इनका दफ्तर है, और वहाँ पर इन्होंने किराए के जो गार्ड थे वो अपने साथ रखे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रॉडी लोग हैं, इन्होंने फ्रॉड तो किया होता है तो कोई उठ के चपेड़ ही ना मार दे। तो ये किराए के गार्ड साथ रख के एक जो है इस तरह की प्रेजेंटेशन देते हैं कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा, साजिद हुसैन की जहाँ तक बात है, इसके ऊपर मज़ीद हकीकतें भी आपके बताएंगे कि साजिद हुसैन ने माजी में कहाँ कहाँ पे रहा, किस तरह का फ्रॉड किया। अब यहाँ पर ये लोग दावा कर रहे हैं कि मिनिमम ये कह रहे हैं जी 50,000 इन्वेस्टमेंट करें और मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इनके एक और हैं सेल्स मैनेजर जिनका नाम अली अवान है, वो क्या फरमा रहे हैं, ज़रा ये उनकी गुफ्तगू सुने और फिर आगे इनकी कुछ और हकीकतें हम आपको बताएंगे। मेरा नाम अली अवान है और मैं फॉर यू रियल ट्रेडर्स में एज अ सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। हमारी कंपनी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करी है जिसमें आप महाना 8 से 10% प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे, हमारा फिजिकल कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनियापुर फार्म के अंदर हमारा अपना काम है सारा, ठीक है। हमारा नेस्ले के साथ एग्रीमेंट हुआ है, नेस्ले हमें डेली बेसिस पे मिल्क सप्लाई हम उनको करते हैं और वो डेली बेसिस पे फार्म से मिल्क कलेक्ट करता है। अब हम क्लाइंट्स को 8 से 10% प्रॉफिट कैसे जनरेट करके देते हैं, हम नेस्ले को 120-122 रुपए लीटर के हिसाब से दूध सेल आउट करते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना के क्लाइंट्स को मंथली देते हैं। हम 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ, 11 महीने हम लोग आपको बाउंड हैं 8 से 10% आपकी कैपिटल अमाउंट पे देने के लिए। उसके अलावा हमारी कंपनी FBR से भी रजिस्टर्ड है और SECP से भी रजिस्टर्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप आप पूछेंगे कि आप लोग काम कहाँ कर रहे हैं, किस पाकिस्तान में कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 2 ऑफिस है, लाहौर में ऑफिस में मैं जहाँ अभी आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी अली अवान साहब। अब मैं आपको इनकी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उस खातून का नाम नहीं लूँगा, अब्बासी ख़ानदान से उस खातून का ताल्लुक है, ज़ाहिर बात है रोज़गार के लिए हर शख्स कोशिश करता है, लेकिन ये जो नौसरबाज होते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करके ये लोगों को शीशे में उतारने का फन जाते हैं। अब ये जो बच्ची वहाँ पे नौकरी कर रही है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, इसको जिस तरह की चीज़ें बताई गई हैं इसने उसी तरह की प्रेजेंटेशन भी देनी है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, रिलायबल कंपनी है, ठीक है। आप पहले छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके देख लें, ठीक है। अगर आपको, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं जो साल से, 2-2 साल से, 3-3 साल से इस कंपनी के साथ हैं। मैं रैंडम आपको किसी क्लाइंट का वो भी देती हूँ एग्रीमेंट, ठीक है, जिसपे उसने अमाउंट भी दी हुई है, ठीक है। तो आप चेक कर लें, फिर इंशाल्लाह आप खुद विजिट करेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी। सर हमारे साथ बहुत से ऐसे बंदे हैं जो आर्मी पर्सन हैं, उन्होंने भी सेल हमारे साथ इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप पहले ऑफिस आएँ, आप पहले पूरी वेरिफिकेशन करें, आपको अगर रिलायबल लग रहा है तो आप करें, क्योंकि आपको पता है कि हाँ इस्लामाबाद में बहुत स्कैम हो रहा है, गुलबर्ग में इतना बड़ा स्कैम प्रॉपर्टी का हुआ है, हो रहा है। लेकिन सर ये तो नहीं है कि हर कोई स्कैम करे, कुछ रिलायबल कंपनीज भी हैं।
अच्छा, ये आपने वॉइस नोट सुने नाजरीन, अब ये देख लें कि ये जो मुलाजमा है, जहरी बात है कोई ना कोई मजबूरी होगी जो इन नौसरबाजों की हत्या चढ़ी हुई है। अब ये नौसरबाज उसको यूज़ करें क्योंकि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको ये टास्क दिया जाता है कि तुम्हारा इतना टारगेट है, इतने टारगेट पर तुम्हें कमीशन भी मिलेगा, तुम्हें सैलरी भी तब दी जाएगी। अब इसको बताया गया जिस तरह इसने उसी तरह की बातें बताई, उसी तरह की गुफ्तगू इसने मेरे साथ की, और ये ख़ुद कह रही है कि हाल ही में गुलबर्ग ग्रीन में भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो फॉर यू रियल ट्रेडर्स, इसका मेरे नज़दीक ये टोटली 8 से 10% महाना जो प्रॉफिट दे रहा है ये भी मनी रोटेशन है, क्योंकि इन लोगों ने मुख्तलिफ जो है ऐसी जगहों पे जाके वीडियोस बनाई, लोगों को ये पैगाम दिया कि ये फिज़िकली फार्मिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर यू रियल ट्रेडर्स के साजिद हुसैन अगर इतने सच्चे होते, क्योंकि देखें जो ईमानदार शख्स होता है उनको बंदूकों वालों की ज़रूरत नहीं होती, उनको किराए के गार्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, वो तो सरेआम घूमता है, वो लोगों को बताता है भाई मैं सच्चा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ। लेकिन ये जो नौसरबाज होते हैं, आपको मालूम है कि ये नौसरबाज इसी तरह करते हैं, प्राइवेट गनमैन अपने साथ रखते हैं किराए पे 15-20 हज़ार रुपये का, और ये शो ऑफ करते हैं कि जहाँ बहुत बड़ा ये बिजनेसमैन है। साजिद हुसैन की और हिस्ट्री क्या है, फॉर यू रियल ट्रेडर्स की और हिस्ट्री क्या है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मज़ीद हकीकतें भी बताएंगे। अगर साजिद हुसैन इसके हवाले से अपना मौक़िफ देंगे हम उसको भी चलाएंगे, क्योंकि लाहौर के नंबर पे लैंडलाइन नंबर पे और कराची के लैंडलाइन नंबर पे मैंने रब्ता किया, मैंने कहा साजिद हुसैन से बात करनी है, तो उन्होंने कहा जी साहब अभी दस्तयाब नहीं है, वो मीटिंगें कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नुसरबाजी करनी है तो लोगों को घेरना है। अब मज़ीद और हकीकतें जो कस्टमर्स हैं फॉर यू रियल ट्रेडर्स के, जो इन्होंने अपने खुद ही कस्टमर पैदा करके उनके वीडियो बयान भी लिए हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन खुदा रहा ऐसी जो कंपनी, अब ये देखें ये जहन में भी नहीं आता कि महाना 8 से 10% तक ये लोग प्रॉफिट दे रहे हैं, कहाँ से जनरेट ये कर रहे हैं, टोटली मनी रोटेशन कर रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें और 10 लाख जो देता जाएगा, जिस तरह AAA एसोसिएट्स वालों ने फ्रॉड किया, ए एंटरप्राइजेज वालों ने फ्रॉड किया, दीगर और कई कंपनियाँ बी फॉर यू आपके सामने, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स आपके सामने है, वैलिडस आपके सामने है, कैशवर्थ आपके सामने है, तो ये भी नौसरबाजी है। जिस तरह आपको मालूम है कि वो पैम्परों वाला का एक कारोबार आया था, फिर एक और इसी तरह फार्मिंग वाला बिजनेस भी आया था, उन लोगों ने भी फ्रॉड किया, तो फॉर यू रियल ट्रेडर्स वाले भी फ्रॉड करेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द इनके खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी करने लगा है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो खुदा रहा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट मत करें जो आपको बड़े इनाम का, बड़े मुनाफे का, बड़े टूर्स का, बड़ी गाड़ियों का, मोबाइल फ़ोन्स का लालच देते हैं। इन लोगों ने नौसरबाजी करनी होती है, क्योंकि जब क्लाइंट को घेरना होता है तो जाहिर बात है इंसान लालची है, और ये नौसरबाजों के लिए जब तक वो बात वही है कि लालची जिंदा है, ठगबाज नौसरबाज भूखा नहीं मरेगा, तो ये आपको लालच दे के आपके पैसों में से ही आपको एक गिफ्ट दे देते हैं और आप खुश हो जाते हैं। इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट मत करें, आपका सरमाया डूब जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।